हेलो पीपल, मेरे किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। क्या आप सबको बर्गर, पाव भाजी या फिर वड़ा पाव खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? अगर हाँ, तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर इसे किसी अच्छी जगह से खाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बर्गर के बन या फिर पाव भाजी का पाव आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी कम पैसों में और बहुत ही आसानी से बना के इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बन या फिर पाव बनाने की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बन या फिर पाव को बनाना शुरू करते हैं। पाव या फिर बन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए मैं बोल में सबसे पहले 2/3 कप गुनगुना पानी लूंगी। उसके बाद मैं उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं 2 छोटी चम्मच ये ड्राई ईस्ट डाल दूंगी। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम ऐसे ही ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। जब तक ये ईस्ट एक्टिवेट होता है, चलिए हम मैदे को सीव कर लेते हैं। बन बनाने के लिए मैं ये 2 कप मैदा यूज कर रही हूँ। इसे हम सीव कर लेंगे। कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें हमेशा सीव करके यूज करना चाहिए ताकि उसमें लम्स ना रह जाए। फिर इसमें मैं ये थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं बीच में हल्का सा ऐसे स्पेस बना लूंगी। हमने जो ईस्ट एक्टिवेट होने के लिए रखा था वो हो गया है। ये देखिए, इसमें कैसे बबल्स बन गए हैं। अगर आपके ईस्ट में ऐसा ना हुआ हो तो आप आगे का प्रोसेस ना करें। अब मैं इसको इसमें पोर कर लूंगी। फिर इसको आपस में ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे मिक्स करते हुए एक डो रेडी कर लें। जब ये ऐसा डो फॉर्म हो जाएगा तब मैं इसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर लूंगी। फिर इसे अच्छे से नीट कर लूंगी ऐसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से। आप जब भी किसी भी ब्रेड का डो लगाते हो तो उसको इसी स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से ही नीट किया जाता है। जितना अच्छा आपका डो नीड होगा उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। ऐसे डो को लगातार 5 से 6 मिनट तक नीड करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि डो एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इस डो को ऐसे स्प्रेड कर लूंगी। फिर इस पे मैं ये 1/4 कप मेल्टेड बटर डाल दूंगी। इस बटर को इस डो में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लगेगा कि ये बटर बहुत ही ज्यादा है, बट थोड़ी देर तक जब तक आप नीड करते रहेंगे आप नोटिस करेंगे कि इसमें पूरा बटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे भी हमें ऐसे ही स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बस आप मस्टर्ड या फिर ग्राउंडनट ऑयल ना यूज करें, नहीं तो उसका फ्लेवर फिर बन में आने लगेगा। बटर या ऑयल डालने से हमारा जो बन बनेगा वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। किसी भी ब्रेड के डो को आप जितना ज़्यादा नीट करोगे ना उतना ही उसमें ग्लूटेन डेवलप होता है और उतनी ही अच्छी ब्रेड बनती है। ये देखिए, बटर एकदम गायब हो गया है। इस पूरे आटे ने बटर को सोक कर लिया है। इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि अब जब आप डो को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टूट नहीं रहा है और आसानी से स्ट्रेच हो जा रहा है। इसका मतलब डो अच्छे से नीट हो गया है। ये देखिए, डो को नीट करते करते मेरे हाथ में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका हुआ है। इसका मतलब जो ये डो बना है वो एकदम परफेक्ट है। ये डो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनना चाहिए। अब आप जब इस डो को ऐसे स्ट्रेच करते जाएंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इस डो को हम 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। इस डो के ऊपर मैंने ऐसे हल्का सा बटर लगा दिया है। अब इसे मैं क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी। आप चाहें तो किसी प्लेट या फिर कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने ओवन को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए और फिर उसे ऑफ कर दीजिए।
फिर इस डो को ओवन में ऐसे ही डाल के बंद कर दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए उसमें ऐसे ही रह जाने दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपने ओवन को बंद कर दिया हो, ऑन ओवन में मत डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे किसी गर्म जगह पे कंबल से ढक के रख सकते हैं, तब भी ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 1 घंटा हो गया है और ये देखिए ये डो कितने अच्छे से राइज हो गया है। अब इसे हम अच्छे से नॉक बैक कर लेंगे। हमें इसके अंदर की सारी एयर को निकाल लेना है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हल्का सा सूखा मैदा डस्ट कर दूंगी और ये डो को इस पे निकाल लूंगी। फिर इस डो से ऐसे छोटा सा पोर्शन निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे दबाते हुए इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। अगर आप इसको अच्छे से नॉक बैक करके इसकी सारी एयर नहीं निकाल लेंगे तो आपके बन में बड़े बड़े से होल्स रहेंगे, तो इसीलिए पहले इसको दबा के ऐसे इसका सारा एयर निकाल लें, फिर इसको राउंड शेप दे दें। ऐसे ही हम सारे डो में से छोटे छोटे पोर्शन लेंगे, डो को अच्छे से नॉक बैक करेंगे और उसको राउंड शेप दे देंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इस पे हम हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे और उसको अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। ऐसा करने से हमारे जो बन होंगे वो बेकिंग ट्रे में चिपकेंगे नहीं और आसानी से निकल जाएंगे। ये हमारी बेकिंग ट्रे रेडी है। इस पे अब हम सारे बंस को ऐसे ही रख देंगे। ये सारे बंस को इस पे रख दिया है मैंने। इसे अब हम हल्के गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इस प्रोसेस को हम डबल प्रूफिंग कहते हैं। ऐसा करने से ये अपने साइज में हल्के से थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखिए हो गए ना अपने साइज से हल्के से बड़े। अगर आपको पाव भाजी या फिर वड़ा पाव के लिए बन बनाना है तो आप इनको एक लाइन से ऐसे लगा दें और फिर बेक कर लें। अब मैं इनके ऊपर हल्का हल्का दूध लगा दूंगी। ऐसा करने से बन में अच्छी सी रेडनेस आएगी। अगर आप एग खाते हो तो आप एग वाइट को भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी रेडनेस आती है। फिर इस पे मैं ये सफ़ेद तेल डाल दूंगी। अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना डालें, बस इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अब मैं इस बेकिंग ट्रे को ओवन में डाल दूंगी। मैं अपने ओवन का कन्वेक्शन मोड ऑन कर दूंगी, इसे 180 डिग्री पे सेट कर दूंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए हम इन बंस को ऐसे ही बेक हो जाने देंगे। अगर आपके पास ओवन या फिर कन्वेक्शन ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कढ़ाई में नमक डालें और उसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख दें। 5 मिनट बाद जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें स्टैंड डालें, फिर एक प्लेट को ग्रीस करके उस पे ये बंस को रख दें और उसको ढक के कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए कुक हो जाने दें। आपके बंस बन जाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बन कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं। बन को हल्का ठंडा हो जाने देते हैं, तब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। कभी भी किसी भी ब्रेड को गर्म में ना काटें, जब वो हल्का ठंडा हो जाए तभी उसे कट करें। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। लुक एट दिस, ये कितना रूई जितना मुलायम है। अगर आप इतना अच्छा बन घर पे ही बना सकते हैं तो बाहर से क्यों खरीदना है। ये देखिए ये अंदर से कट के भी वैसे ही लग रहा है जैसा आप मार्केट से लेकर आते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप जब खाएंगे ना तो आपको फील होगा कि ये बाहर के बन से कितना अच्छा है। मेरी ये इजी और टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। Thank you.